सर हम लोग एक मिनट सर हम लोग का समस्या की बात क्या वेतन में हम लोग 102 एम्बुलेंस कर्मचारी से वेतन में मनमाने ढंग से वेतन दिया जा रहा है, तो उस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ नहीं, हम लोगों का आपसे कोई एग्रीमेंट नहीं है। इस पर हम लोग स्टेट में बात किए थे जी, स्टेट में भी वहाँ पर मीटिंग में भी पिछले बार भी उसको काफ़ी फटकार लगा था, समझ गए ना। क्योंकि आप हमारे एम्प्लॉय नहीं है, इसलिए हम खाली इतना है कि हम जो बिल देता है हम समय पर उसका पेमेंट कर देते हैं। तो पीएफ और ईएसआई के लिए सभी के लिए हम लोग बात किए हैं, तो कहाँ हम लोग के फंड में सर नहीं कर रहा है। तो आप जो जिससे आप जिससे एम्प्लॉय है आप उससे बात कीजिए ना। हम लोग तो उसको कोई दबाव दे सकते हैं ना, हम लोग उसको कोई ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। वो हम लोग पिछले मीटिंग में भी इस पर काफ़ी बहस हुआ था और काफ़ी उसको कहा गया था, लेकिन वो तो कहा कि हम तो मैंने पिछले महीने जो मीटिंग था 24 तारीख को, वो कहा कि पिछले महीने तक हम दे दिए हैं। तो सर उसके लिए तो आप कह सकते हैं ना, अगर दिए हैं तो आप लड़का लोग को। अरे अपना खाता में जो है तो खाता का फोटो लगा करके आप सीधे ईडी को लिखिए ना कि आप मिला करके। खतवा किसी को दिवे नहीं क्या अभी तक सर? खतवा किसी आपके खाता में पैसा आएगा कि नहीं आएगा? पीएफ और ईएसआई का किसी को ही नहीं दिया, नहीं दिया तो यही आप लिख दिए, ईडी को दिखिए ना, हम कहेंगे उसका बात अलग होता है। सर वहाँ से जो लेटर आई है जिला स्वास्थ्य समिति को, जो लेटर आई है वहाँ से कि पीएफ और ईएसआई का भुगतान होने के, कर्मचारी का भुगतान होने के बाद ही पेमेंट किया जाए, वही करेंगे। तो हम लोग जो लेटर दिए हैं सर, वो तो बताता लिस्ट दे देता है जी, हम लोग जो लेटर दिए हैं उसमें लिखा हुआ कि जब तक पीएफ और ईएसआई का, बात सुनो ना जी, वो जो बिल देता है ना तो वो जो है सो कंसोलिडेटेड 500 आदमी का पूरे बिहार का वो एक जगह लगा के देता है, तो उसमें आप उतना खोजेगा डिटेल्स खोजेगा कि वो तुम लोगों का पेमेंट किया है कि नहीं किया हुआ है। वो हर बिल में वो लगा के देता है जो भुगतान बिल लगा के देता है सर। उसमें एक चीज़ लिखा रहता कि प्रक्रियाधीन है, कभी आप लोग ये नहीं सर, वो हम लोग कंप्लायंस में लिखते हैं ना जी, जी वो जो है सो जो बिल देता है उसमें लिखा रहता है। सर हम लोग का यही गुजारिश आपसे सर, यही रिक्वेस्ट है कि जब तक हम लोग का पीएफ और ईएसआई नहीं दिया जा रहा है तब तक पेमेंट रोक दीजिए कंपनी का सर। किसका? कंपनी का पेमेंट। जो गाड़ी खराब पड़ी है उसको भी नहीं बनवाया जाता है सर, जो गाड़ी खराब हुई है उसको भी नहीं बनवाया जाता है। सर यह मधेपुरा की गाड़ी जाके आर एम फंसा दिया है सर, 16 अगस्त को श्रीमान को बताए थे हमने सर, उसमें हम लोग हर महीने में उसका 10 लाख 11 लाख रुपए कटौती करते हैं। पिछले बार भी उसका सर, किसी गाड़ी में मेडिसिन नहीं है, किसी गाड़ी में ऑक्सीजन नहीं रहता है, उसके लिए कई बार तो उसका हम उसको फोर्स नहीं करेंगे। उसमें नियम है कि आप मैक्सिमम उसके बिल से 15,000 रुपया एक गाड़ी पर काट सकते हैं। जो गाड़ी सर ऑफ रोड भी रहती है पूरे महीना उसका भी पेमेंट 99,000 मिल जाता है क्या? अच्छा होता है। हर पिछले महीना का भी जो हम लोग 51 लाख दिए हैं उन लोग का भुगतान किया कि नहीं किया वो? सर जो नहीं सर पेमेंट काट के कर रहा है ना सबका, जैसे किसी को 3,000 दे रहा है, किसी को 7,000 दे रहा है, क्या दे रहा है उसे हमको मतलब नहीं। किसी के पीएफ में पैसा नहीं गया है सर, उसका जो है जो पेमेंट सितंबर तक का वो बिल दिया है, सितंबर तक हम लोगों ने पेमेंट कर दिया है, और नियमानुसार जो हम लोगों को कटौती करने का अधिकार है उसका 15 लाख रुपया हम लोग काट के पेमेंट किए हैं, समझ गए नहीं, उसे हम लोग अधिक कर सकते हैं। तो हड़ताल करो। हाँ वही होता है, ठीक है।